कागा भी तो के भूख लगा बा। हां बाबा जी, हाय भगवान, न जाके कौन सा कितना बड़ा राजा दे तेरा भगवान। आज हमार बेटी का रुस भूख प्यास से मरता, गरीब के जिंदगी कोई जिंदगी ना हो जाएगी, गरीब पर बहुत भारी हो। जब आपके किस्मत में ये लिखल बात बार बार के ठोकर खाए था तो सूख ना हाथ पर मुझे की चचरा खाए खा के कोई बात से चचरा। कौन है बाबा? तू बेटी है, शर्म नहीं लगता जवान लड़की को लेकर पूरे तेरे को मां का दे राशि बनवा कर भीख मांगता है और उसको खाने के लिए भी नहीं देता। आखिर बाबा तू जरा सब नहीं है, चार रोज हो गए खाए हुए उसको। हम दोनों आप सियान दाई कोई काम कर लाए कि ना बनी, कहां से खियाई बाबू? अब वो भूखे मरेगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना बाबा। खैर, ऊपर वाला ने ये जितना बड़ा धरती बनाया पर मनुष्य का जन्म लिया, मनुष्य ने दाने धर्मी और दाने धर्मी और मददगार नहीं होता तो ये धरती कब न भर जाती, लेकिन दाने धर्मी और मददगार के ऊपर ये धरती कायम है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जवान लड़की भूख जमाने तरफ रही है, भाइयों के सामने हाथ फैला देख तो कैसे मिल जाता है उसको खाने के लिए, हर आदमी के दिल में धाम है। हमारी बेटी खाए खाती एक गांव में कुछ मिल जाए बहुत मिलेगा। ठीक है बापू, बेटी नारवा बेटी चले बैठे बाबू भैया के सामने हाथ फैला के भीख मांग के Oh,
देती एक पैसे से उठी आगे पढ़ा कर बचा भूखे मर रही है तड़प रही है और लाठी करा कर घुमाता भी रुक जा। जो ऋषि बाबा बताए थे कि हरिपुर बस्ती में एक शोरदास है जिसके पास एक जवान लड़की है जिसे महाराज का शादी का लिख रहा है और इसके पास भी देख रहे हैं शोरदास तुम्हारा घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर गरीब की बस्ती में पड़ेगा। तो इसी के पास ज्योतिषी बाबा है। ये लड़की तुम्हारा है? हमारी बेटी है। इसका शादी क्यों नहीं करते? जवान हो रही है, शादी क्यों नहीं करते? शादी? हाय भगवान, एक रोटी खाए पे बहुत लाज बनी। आज हमारी बेटी अपन आंसू पी पी की अपन प्यास की बुझावा अपन शादी। बाबा हम गरीब आदमी हमारे पास पैसा नहीं है। कौन है तुम बेटा वाला माँ के देख देश के हमारे बेटे के हाथ में हम गरीब आदमी हमारे पास पैसा नहीं है दादा। तो आज के लिए तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। हम अपना बेटी बनाकर इसे शादी करेंगे राज दरबार में। कहा हमारी बेटी की शादी राज दरबार में? राज दरबार में करेंगे। का गरीबी के मजाक उड़ाओ तारा? हाँ ये जमाना है मजाक उड़ाने वाला भी। इसी दुनिया में मजाकिया भी है, चोर भी है, बंगल भी है, धार्मिक भी है, दानी भी है, मददगार भी है। बापू अगर ये काम कर दे तो हम तुम्हारे एहसान जिंदगी भर ना भूल। एहसान के लिए नहीं, एहसान के लिए नहीं, हम आज से अपना बेटे समझ रहे हैं उसे। आज की शादी हम करेंगे राजा के हाथ। आज के रात अब इस वक्त से भीख मांगना छोड़ दो और यही धर्मशाला बना हुआ है उसमें आज के रात बाप बेटी ठहर जाओ, सुबह बारात आ जाएगी। एक बार अपने बेटी से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेटी के लिए तैयार है। ठीक है बाबा, बेटी कहीं बाबू एक बात कहें? कहीं बाबा आप अगर तुम्हारे बाबू तो से कुछ ना कहना, लेकिन आज हम तो से कुछ कहे जाता नहीं बेटे, इनकार तो ना करबू ना। कहीं बाबा बेटी इनकार करना अपना बापू के दिल के ना दुख है बेटी। हम जानते हैं कि बचपन से भीख मांग मांग के खिया खिया के आज तक ले अपना बापू के जिंदा रखने वाली। अगर तू न रहती तो तुम्हारे बापू सूर रात का पे खूब पिया से तरह तरह के मर गए थे। तुम्हारे एहसान के कर्ज हमारे सर पे बोझ बन गई बा। आज तुम्हारे बापू अपने सर के बोझ के उतारे के चाहत में बेटी। देखा तुम्हारे बापू दुर्दा हमारी जिंदगी कोई ठीक नहीं थी। आज बाली कल ना रहा एक जब तैयार अपना दिन में यह बात फैसला करनी है कि अपना जिंदगी में हम तो के टोली में बैठा कर ससुराल भेज दो। शादी कर ले और भगवान के लिए एक बार हम कह सके बापा हम कुछ ना बोल सके। रघुदेव जी में आए वे रोक करी से ये सुनने के चाहते बाबा ये रिश्ता हमके मंजूर बाबा। बाबा आज के रात यही छाड़ जाओ, खाना है बना हुआ उसमें छाड़ जाओ, सुबह बारात आ जाएगी।